ठंड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप यू आर ऑल वेल और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो आज हम जा रहे हैं, कौन सी राइड पे जा रहे हैं आज हम? कहाँ जा रहे हैं भैया? गुलमर्ग। आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग और वहाँ पे कौन सी राइड करेंगे? गंडोला राइड। रोड में भी आई यहाँ पे इतनी चेकिंग होती है, बस हर टाइम चेकिंग 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 और आपको गुल उतार। वाव, गुलमर्ग कितना अच्छा, बर्फ से ढकी पहाड़। अब पहुंच गए हम गुलमर्ग और यहाँ से हम लेंगे अब शूज एंड कोट, क्योंकि बर्फ में जाना, ये देखो सुनो। सो ठंड भी बहुत लग रही है। भैया यहाँ से क्या मिलेगी? शूज, शूज और कोट, लॉन्ग कोट। 5-6 सर, आप कहाँ से? हिमाचल। हिमाचल प्रदेश। अब हमने अपना ड्रेस चेंज कर लिया और अब हम वापस जाएंगे अब गाड़ी में। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं गंडोला राइड के लिए और गुलमर्ग में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे इसका एंट्री गेट है, आप कभी घूमने आए तो यहाँ से सीधा आप गंडोला राइड के लिए बाय रोड जा रहा है। ये यहाँ का व्यू है सारा गुलमर्ग का। आज का हमने रास्ता किया है, बाय वॉक्स चूज़ किया है। अगर आप लोगों के पास भी अगर टाइम है तो आप लोग भी बाय वॉक जा सकते हैं। बहुत सारे एजेंट्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कि बहुत चार्जेस मांगेंगे आपसे, पर आपको उनकी बातों में नहीं आना है। यहाँ पर आगे आप ये स्कीइंग राइड भी ले सकते हैं। ऑलमोस्ट ये 250-300 एक राइड का, ये 350-300 चार्ज करते हैं। बाकी अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो इनसे तो ये थोड़ा कम भी कर लेते हैं। और भैया को देखो स्किन पे क्या लगाया, हमारी भी काली पड़ जाएगी। भैया जो आप हम रोज रोज यहाँ होते हैं ना, ये जो आपने लगाया क्या है? ये सनस्क्रीन है सर। तो इसका क्या मतलब इफेक्ट होता है? ये इफेक्ट होता है यहाँ पे ब्लैक पड़ जाता है चेहरा। अच्छा, राइड करेंगे। मुझे नहीं पता कौन क्या है गंडोला पंडोला, दलाल दुलूल के खुद ही पैदल आए। कितना दूर है? ज्यादा दूर भी नहीं है, 1 किलोमीटर। जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती है वहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चलो आराम से, सीधा सीधा रास्ता, बर्फ देखते देखते। वाह, और ट्राई करेंगे अपनी खरीद। अब पहुँच चुके हैं हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे जो कि है आज की गंडोला राइड। क्यू देख सकते हैं आप, कितनी लंबी क्यू है। टाइम से आना पड़ेगा आपको, क्यू कितनी लंबी है।
गोंडोला राइड के लिए यहाँ से एंट्री। इधर भी इतनी लंबी लाइन है, बाहर तो थी, मैं तो इतनी परेशान हूँ। लगाया और मैं खुद बैठी हूँ लाइन पे लग के। 3 घंटे हो गए हमें यहाँ लाइन पे लगे हुए। हमारे पता नहीं इतना क्राउड है। एंट्री करेंगे 3 घंटे के बाद। फाइनली हमारा नंबर आने ही वाला है। घंटे के बाद 9 मिनट की राइड। राइड में बैठ गए हैं। दोबारा से लाइन में लगना पड़ेगा। यहाँ पे रेडी हो रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। ठंड लग रही है, अब तो नाक बंद हो गया, बहुत ठंड हो गई अब यहाँ पे। ठंड लगता है, कोल्ड हो जाएगा। अरे ठंड लग रही है मस्त यार। कसम से कौन। और गुलमर्ग की गंडोला राइड लेने के बाद अब हम रिटर्न जा रहे हैं, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है। इन भैया ने हमारी बहुत हेल्प की। फ़ोटो खींची। क्या है आपका नाम भैया? चलो नाइस टू मीट यू भैया। और अब हम रिटर्न जाएंगे। अगर आप यहां से सेकंड फेज़ की गंडोला राइड लेने चाहते हो तो यहीं से सेकंड फेज़ जाता है, जो कि काफ़ी हाइट पे है। और यहाँ से हम रिटर्न जाएंगे। अब तो फाइनली अपनी राइड कंप्लीट करके अब हम जा रहे हैं अपनी। तो बाय बाय गुलमर्ग। देखो कितना अच्छा गुलमर्ग है। और गाइस अभी हम गुलमर्ग से आ गए हैं और बहुत थक चुके हैं। और अब हमारी यहाँ पे डल लेक क्योंकि हम तो शिकारा में बैठ के जाएंगे। हम लेट हो गए, नहीं तो अगर दिन में आते तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन हम गुलमर्ग से आने में लेट हो गए। अभी हम इस पे बैठ के जाएंगे। कितनी सारी शिकारा है यहाँ पे देखो। और हमारा हाउस बोट पता नहीं कहाँ होगा जहाँ हम नाइट स्टे करेंगे। और वहाँ हमने हम बैठ चुके हैं। नहीं स्नान कर लेना पानी में जो घर होता है। ये हमारी हाउस बोट है, इसमें रहेंगे। अंकल मेरे को भी कर दो। हाय ठीक है रख दो। मैडम जी छोटे बोट पे नाम लिख के दे दो सर जी। ये बोट है ना, ये बोट। हाँ इसके पीछे वो गांव है, टिंग वाली मार्केट इसको कहते हैं, मीना बाजार। मतलब ये पानी के अंदर ही होती है दुकानें। ये पानी के ऊपर फ्लोटिंग वाली बाजार है पूरा पानी के अंदर। नेपाल सो यहाँ से हम आए थे फ्लोटिंग वाली मार्केट में, और यहाँ से हम थोड़ी बहुत कुछ खरीद रहे थे।
और हमारा शॉपिंग हो गया था और अब हम जा रहे हैं वापस। भैया नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय बाय। शॉपिंग हो चुकी है डन और अब हमें बहुत ठंड लग रही है कसम से। फ्रिज 5 के हम अपनी हाउस बोट पे। वाह, ये हमारी हाउस बोट। मेरे को अब इतनी ठंड लग चुकी है ना, ये देखो कितना सुंदर है ना। वाह, देखो 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 देखो, महाराजों वाली फीलिंग है फिर के, महाराज वाली फीलिंग ले रहे। वाह, शूज तो ये एंटर कर चुके हैं हम हाउस बोट में। तो ये यहाँ का आप कह सकते हैं लिविंग रूम या फिर ड्राइंग रूम। इंटीरियर देखिए आप, और यहाँ पे इनका ये डाइनिंग एरिया है। जी डाइनिंग टेबल, और ये यहाँ पे वैनिटी है, यहाँ पे छोटी सी ये पेंट्री है, और फिर ये कॉरिडोर है यहाँ से, और लाइन में ही रूम्स हैं। तो ये हमारा कुछ रूम है, हाउस बोट का रूम है, एसी वीसी सब। ये कबर्ड्स, कबर्ड्स है, और यहाँ का वॉशरूम, और टब में ही आना है, टब भी दिखा दो। वॉशरूम अच्छा, ये गरम वाला है ना, और ये यहाँ पे जकूजी भी है, बाथटब जकूजी। कैसा लगा? देखो यहाँ से दूसरी, यहाँ से आप विंडो खोल दी इन्होंने तो दूसरी बोट है साथ में ही, है ना? नहीं, वो दो ही रूम है। अच्छा, पहला दिन है, पहला दिन है, दो ही रूम है। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। तो जहाँ पे हम रुके थे उससे कैसा है? उससे बहुत अच्छा। तो चलो ठीक है, हम आपको अब डिनर पे मिलाएंगे। तो तब तक के लिए डिनर पे मिलाएंगे आप लोगों को। सो हमारा बाहर डाइनिंग रूम में जाने का मन नहीं था, हमने अपना डिनर बेडरूम में मंगा लिया था। तो सो गाइस, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अब हम डिनर कर लेते हैं। बाय बाय।